अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं अली। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है SRK ट्राइब्यूट टू द लीजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा 2022। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। बॉलीवुड 17 की दुनिया में आना और आतंक छाना बहुत मुश्किल है। 1980s का जो दौर रहा वो सिनेमा के का डेथ का वो दशक था। थिएटर्स की हालत बहुत खस्ता थी। हम साउथ इंडियन फिल्मों का रीमेक कर रहे थे तो फिल्मों का एक स्तर बहुत गिरा। उसके बाद एंड ऑफ 80s जो शुरुआती दौर 90s का आया, पोस्ट लिबरलाइजेशन, एक नया हीरो पैदा हुआ, शाहरुख खान। इतने सालों में मैंने जो भी किया है उससे मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जो भी जहाँ भी हूँ जिस मुकाम पे भी अपने फैंस की वजह से अगर मेरे फैंस हैं तो मैं कुछ भी। सही हो। I'm from Delhi. मेरा जो पहला घर था DDA कॉलोनी में। आपके वालिद साहब क्या चाहते थे कि आप क्या बने? उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं, लेकिन उनको बातें बोलते थे। अच्छा, सेम उनके लिए था। वो भी ठीक है क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते। आई रिमेम्बर उन्हें कैंसर था तो ठीक हो गए ऐसा कहा गया। मुझे मालूम नहीं पड़ा। माई मदर वोक मी अप एंड शी सेड पापा इज इन द हॉस्पिटल। उनकी पैर में गई और वो बहुत ठंडे थे जब मैंने उसे हाथ लगाया एंड ही पास्ड अवे। 15 साल की उम्र था जब उनकी फौत हो गई। ले चल रहा है लेडी श्री राम कॉलेज में। मैं आके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैठता हूँ। बैरी जॉन वहाँ पे टीच कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे करते करते टेलीविजन आ गया, वो फौजी सीरियल आया, वो पॉपुलर हो गया। तो मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था ही बिल्कुल, तो मैंने करना ही नहीं चाहता। उसके बाद एक और सीरियल वो दिलदरिया किया मैंने, उम्मीद वो किया और सर्कस की। आप 4-5 साल तो उसी सदमे में निकल गए कि फादर की डेथ हो गई। माँ थी बिल्कुल हेल्दी थी, बट सडनली एक दिन रात को उनको ऐसा कुछ दर्द हुआ पैर में और देन उनका डायबिटीज़ है और देखते देखते 1.5 महीने में उनकी भी डेथ हो गई। आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल लो मिडिल क्लास फैमिली। आई सॉ अ लॉट ऑफ फेलियर एट एन अर्ली एज। आफ्टर माय पेरेंट्स डाइड आई इक्वेटेड पॉवर्टी विद फेलियर। आई जस्ट डिडंट वांट टू बी पुअर। सो व्हेन आई गॉट अ चांस टू एक्ट इन फिल्म्स इट वाजंट आउट ऑफ एनी क्रिएटिव डिजायर। आई से दिस ऑनेस्टली, it was purely out of the fear of failure and poverty. ये लोग तो मुंबई को जा रहे हैं। हाँ, किसी की तलाश में। किसकी? सपना। कामयाबी। कामयाबी। Mumbai to work. I had lost everything in my life. No place to live. मुझे किराए का घर लेना पड़ा। मेरे पास पैसे नहीं थे। So I remember Rajiv called me and gave me money for my kiraya of my house. और फिर मैं एक डायरेक्टर से वहाँ पे मिला तो उन्होंने मुझे पहली बात बोली थी, उन्होंने कहा यार तुम बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर हो, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टर। मैं जी तुम इतने अगली हो, मैं तुम्हें किसी भी रोल में डाल सकता हूँ। इस भूल बुलाया मैं गया ना तो पता भी नहीं चलेगा काले के सफेद कब हो गए। अरे टोपी वाले भाई साहब, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ, एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। हाँ, मुझे लगा मैं यही बोलना, मैं कहता हूँ मेडिकल नहीं करता, मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा, मुझे माफ कर देना। सुपरस्टार्स के दौर में सबको पीछे छोड़कर आगे निकलने वाले शाहरुख। शाहरुख खान ये मूवी यार बहुत देखने वाली थी। और टीवी करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचा है जहां सुबह साल इनको इन्होंने जो मॉल बनाया है उसमें हम अपनी छोटी दुकान चला रहे हैं। स्टैंडिंग ऑन मरीन ड्राइव एंड सेड यू नो वन डे आई एम गोना लूज द सिटी एंड सो या या ओए होए ओए होए हाय हाय Is your competition also younger actors like Pradeep? I'm not competing. I'm competing.
मैं हमेशा बोलती हूँ कि और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है, मतलब उनका नाम ही रोमांस है। तो प्यार दोस्ती, मुझे सबसे ज्यादा पसंद तुम्हारी ही आंखें। ओए हो ये यार शॉट और ये शॉट, ये वो चेन्नई सुपर चेन्नई एक्सप्रेस, हाय 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 ये देखो भाई ये मूवी मुझे सबसे दिल वाले याद है। नहीं हमने तो नहीं देखी मूवी, है देखी क्या पारो को छोड़ दो पारो। यार देवदास नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते, चक दे वो नाम सुनाई देते प्यार करने का मरते मन प्यार करने का। उसके बाद उनके स्वभाव में, उनके काम करने के तरीके में एक बहुत ही सहूलियत है, एक बहुत ही मंजिल कलाकार हैं वो। The most hard working human being, forget an actor or a hero. I think Shahrukh's energy is what is his most appealing quality. My reason of becoming an actor. Yeah, but Shahrukh Khan is my favorite, my inspiration. हम जैसे इंसान जो कोई सिनेमा से मतलब नहीं है। Mr. Shahrukh Khan. उसमें उस जगह पे खड़े होते हैं। I work so hard and I make sure that all of you get some smiles. Wow. You see my face. ये आज की बात नहीं शाहरुख, 22 साल पहले जब आपकी अदालत में आए थे तो मुझे ध्यान है उस समय आपने कहा था कि व्हाट इज बेटर इज टू से दैट यू आर द बेस्ट, नॉट बदर व्हाट अदर्स। मैं कभी कंपैरिजन नहीं करूंगा, आप जैसे हैं वैसे हैं, आप बहुत ही बढ़िया हैं, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा बढ़िया। अभी भी आप मानते हैं कि अगर सबसे बड़ा है तो वो शाहरुख खान है? He's an excellent actor. Through his film work, he is known as a global icon. Prime Minister, perhaps the world's biggest movie star. Mega global superstar. The world's biggest movie star. Some people say he is the biggest movie star in the world. Popular movie film star in the world. Hollywood legend. Iconic people such as Shahrukh. Oh, ये भी हाँ जी ध्यान है ना ये। ओए 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 हाँ जी यार अंदर ना चले जाना पीछे रह गए। ओ यार Shahrukh Khan has been going through a rough patch in his career for the past couple of years, with his films failing to create magic at the box office. पहले जैसे अब शाहरुख खान बात नहीं रही। एज के साथ कभी रुक जाना चाहिए, हो गया उनका टाइम। एज आ गई But the acting is पिछले चार साल कोई ही बिल्कुल नहीं। And more importantly, can he ever get back into his old room like the mid 2000s? शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती। The Bachcha of Bollywood was spotted at Yash Raj Studios. तीन सालों से शाहरुख खान खामोश रहे। इस खामोशी को काफी लोगों ने उनकी कमजोरी समझ लिया था। If you throw me to the wolves, I'll come back to you. मालूम है कब से कह रहा हूँ, आ रहा हूँ। And there was a lot of negativity. Some of the critics were very personal about my midlife crisis. I will do stuff which I want to, and I will do it all my life. And if you guys have a problem, I just want to tell them, go to hell. Huh? Oh.
पठान हाय हाय जवान तीन मूवी देंगे इस साल भाई बाकी तीन मूवी थे वनडे आपकी ये शौहरत किसी और के नाम होगी किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा आपसे ज्यादा कामयाब होगा ऐसा हुआ ना आप लोगों को सबने प्यार का मतलब दुनिया ने समझा है बॉलीवुड कई लोगों की पहचान है आपने दुनिया में बॉलीवुड की पहचान बनकर दिखाया है आप रेल पर लिखा नाम नहीं जिसे लहरें मिटा आप वो नाम है जो दिल में छपा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता इस दुनिया में आप जैसा दूसरा किंग कभी नहीं ओए वाकई एंड पर बोल दिया ना कभी नहीं आ सकता यार क्या एक बंदे की लाइफ है जो उन्होंने बातें बोली है ना वो करके दिखाई है लेकिन अगर एक बचपन आ जाए एक बंदे के स्टार्ट पर आ जाए ना वो किसी का भी आप उठाकर आप देख ले चाहे वो एक प्राइम मिनिस्टर लेवल पर है हीरो है या जो भी है एक बड़ा आदमी बना हुआ है उनका बैकग्राउंड ऐसा ही है अब एक शाहरुख खान है उन्होंने भी बोला था कि एक जैसे एक स्टार उनका हुआ था अब यही मिसाल अगर आप पीएम मोदी की देख लें तो उनका भी स्टार देख लें मतलब जो एक बंदे का स्टार होता है ना वो एक बहुत मुश्किल होता है लेकिन जो जिनका मुश्किल होता है जो हार्ड वर्किंग करते हैं ना से आता है ना वो इतनी जल्दी मिटता भी नहीं है ना मिटता भी नहीं है वही चीज़ है आप देख लें कि आज उन्होंने बोला था कि एक बार ना एक राज करेंगे पूरी दुनिया भर तो अब वो कर रहे हैं पूरे बॉलीवुड हॉलीवुड हर तरफ उनकी भाई एक नाम बोला जाता है जो भी एक मैक पर बोलता है ना एक फेवरेट हीरो का नाम बोला जाए तो शाहरुख खान और जब एक देखते हैं हर बार और भाई वो दुबई में बुर्ज खलीफा पर ऐसे अरबी मना रहे होते हैं इनका यार बर्थडे हाँ हर दफा यार मजा आता है कमाल की बात है यार आप क्या बात बहुत नॉलेज है शाहरुख खान का लेकिन सही बात है यार बहुत है कि एक्टर अच्छे थे हम तो भाई एक स्टार से ही देख रहे थे लेकिन तब ना एक पता नहीं था एक चीजों का आप देखो ना ये आप छोटा सा बच्चा है अब इसको नहीं शाहरुख खान का पता अब वो जो डायलॉग बोलता है या जो करता है लेकिन जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा इसको पता चलेगा कि डायलॉग में कितनी पावर है उसके बोलने में पहले हमें भी ऐसे लग रहा होता था यार ये नशेई बंदा ऐसे डायलॉग करता है लेकिन तब हम छोटे थे लेकिन आप पता है हमने लास्ट उनकी मूवी देखी है अब हम एक फिर भी मिस करते हैं कि यार एक फिर से उनकी कोई मूवी जरूर देखें तीन दिन दी उन्होंने 2023 में हां है धड़ाधड़ देवदास भाई एक पूरा खजाना पड़ा हुआ है डायलॉग का है पूरा खजाना दुखी अगर किसी ने होना है ताने किसी को मारने हैं एक इस साइड पे तो आप देवदास मूवी देख ले वो मजा करा देंगे हैं लेकिन राम जानी की बात कर ले कोई मैं राम जानी कौन सा राम जानी राम जाने राम जानी बुलावा लेकिन ये कि भाई अभी के लिए जो उन्होंने ये तीन ट्रेंड दिए हैं ना हर मूवी में एक नया ट्रेंड दिया है लेकिन जवान के ऊपर आ जाए और उसके अलावा जो नेक्स्ट अभी जो चल रही थी वो अब दुमकी की बहुत भाई अभी लोग कह रहे थे वो डंकी है डंकी डंकी हो गया डंकी भाई डंकी वो भी देखी तो नहीं है खैर यार आप देखो ना पहले मूवीज होती थी मतलब के फाइट वगैरह चीज अब मूवी एक थोड़ा सा ना रियलिटी पर मतलब के बनाने लग पाए आप डंकी पर आ जाए तो वो एक थोड़ी सी एक समय लेके हिस्ट्री पर बनी हुई है अब जो लोग मतलब के डंकी वगैरह लगाते हैं तो उस लिहाज से लेकर वो मूवी बनाई गई है आप पीछे पठान में भी आ जाएं उसमें भी थोड़ी सी एक हिस्ट्री का टच दिया हुआ था कुछ एक मतलब के ये एक डॉक्टरों का और ये जो मतलब के एक उसमें हिस्ट्री थी थोड़ी सी मैंने वीडियो देखी थी अभी मुझे भूल गई है लेकिन बहुत मूवी भाई इनकी देखने वाली होती थी एक दिल वाले पर आप आ जाएं वो मूवी लास्ट मैंने देखी थी यार सारी बहुत अच्छी थी और बादशाह तो भाई फिर फटी रह गया बहुत मूवी अच्छी थी नहीं बिल्कुल आप देख लो ना कि हर किसी का अपना अपना एक कैरियर है आप सलमान की तरफ आ जाएं आप अक्षय की तरफ आ जाएं
बाकी अभी के लिए जो चल रहे हैं जिस तरह रणवीर है, रणवीर ने भी अभी एनिमल में एक अच्छी एंट्री दी है, और उसके अलावा बाकी भी एक अच्छे हैं जो नो डाउट उन्होंने हर किसी का अपना अपना कैरियर के हिसाब से है, लेकिन इनको भाई काफ़ी एक जो है ना वो अरूज मिला था और उन्होंने एक मेंटेन दरमियान में रहा है, इनके वो ऊँच नीच आती है लाइफ में, लेकिन अब जो दोबारा ये अब कम बैक किया है ना ये बहुत खतरनाक किया है। तो एक चौथे भी मूवी आ जाए ना, मुझे लगता है कि एंड एंड वाली मूवी है इसके बाद बस कर जाएंगे लेकिन भाई कमाल का कैरियर है उनका, उन्होंने वो जो डायलॉग बोला ना लास्ट हीरो वाला, लास्ट हीरो वो बोलते हर किसी हर कोई बोलता है भाई कि लेकिन कोई ना कोई आ ही जाता है, दुनिया नहीं खत्म। अमिताभ बच्चन ने भी बोला था ओए होए होए उसके जैसा कोई नहीं आया, नहीं नहीं वाकई कोई नहीं आया, उसने सही बोला था अपना होता है। लेकिन अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते आपको भी पसंद आएगी, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।